नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुख करते हैं खास खबरों की ओर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा अपने 17 संगठन के विभिन्न मांगों को लेकर जनपद पंचायत परिसर में विगत 14 दिन से सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें, जहां पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के सदस्य प्रहलाद पाटीदार एवं राजेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त मोर्चा का हड़ताल का आज 14वां दिन है। शासन द्वारा अब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई है, इसीलिए शासन का ध्यान आकर्षित कराने को लेकर आज हमारे द्वारा नारे लिखे हुए काले मटके फोड़े गए। 17 संगठन की हमारी अलग अलग मांगे हैं। और बताते चले, जिनको मामा जी अपनी बहन और भांजी बोलते हैं, स्व सहायता की महिलाएं ज्यादा परेशान हो रही हैं और समस्त योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। सरकार को हमारी मांगों पर त्वरित ध्यान देना चाहिए, अन्यथा हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। आज हमारे संयुक्त मोर्चा का हड़ताल का 14वां दिन है, जिसमें हमारी मांगे अभी तक शासन द्वारा मानी नहीं गई है। इसलिए हम शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज काले मटके उन पर नारे लिखकर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आज मटके फोड़े हैं। हमारे 17 संगठन की मांगे हैं, जो अलग अलग मुख्य मांगे हैं। हमारे डीए रुका हुआ है, एग्रीमेंट 2 साल से रुका हुआ है, संविदा जो कर्मचारी हैं एनआरएलएम के हैं, जीआरएस हैं, उनको नियमित किया जाए, सचिवों का छठा वेतनमान नियुक्ति दिनांक से किया जाए, ऐसी प्रमुख सभी संगठनों की एक एक मांगे हैं जो अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है। शासन अनदेखा कर रहा है कि उनका अनार्थिक बोझ नहीं है ये, अगर हमारी मांगे पूरी करे तो ये अनार्थिक बोझ नहीं पड़ेगा शासन के ऊपर। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहे दैनिक दिल्ली न्यूज के साथ। नमस्कार।